गाइज, अक्सर हिंदी फिल्मों में आपने कोर्ट के सीन में कटघरे में खड़े इंसान को गीता या कुरान पे हाथ रख के कसम खाते देखा होगा। ये सीन बड़ा ही कॉमन है जो फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट ऐसी चीजें अंग्रेजों के जमाने में हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये सब चीजें बंद हो गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि अंग्रेजों के जमाने में ऐसा क्यों किया जाता था? उसके पीछे का रीजन ये है कि जब अंग्रेज इंडिया में आए थे तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ के लोग अपने कल्चर को लेके बहुत भावुक है। इसीलिए जब कटघरे में कोई खड़ा होता था तो उसे गीता या कुरान पे हाथ रखकर कसम खाने को कहा जाता था। अंग्रेज ये मानते थे कि इस पे हाथ रखकर कम से कम यहाँ के लोग झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन आज के जमाने में खैर रहने दीजिए। आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, इंडिया में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि बहुत ज्यादा रहस्यमयी हैं, और उन्हीं में से एक मंदिर है आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर। गाइस, आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर टोटल 70 खंभों पे टिका हुआ है, लेकिन रहस्यमय बात यह है कि उन 70 खंभों में से एक खंभा जमीन को टच ही नहीं करता, यानी कि छूता ही नहीं है, वो हवा में ही लटका हुआ है। अब ऐसा क्यों है और इसके पीछे का क्या रहस्य है, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ के श्रद्धालुओं की यह मान्यता है कि जो भी इस लटके हुए खंभे के नीचे से कपड़ा निकालता है उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गाइस, क्या इसके पहले तक ये रहस्यमयी चीज आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। हमारे भारतीय संस्कृति को हम तो भूलते जा रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग इसे अपना रहे हैं। जैसे कि भारतीय संस्कृति के अनुसार नीचे बैठकर पालथी मारकर भोजन करना एक अच्छी आदत है, और ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क भी है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप जमीन पर बैठते हैं और पालथी मारते हैं, ये एक तरह का योगासन है, और इस योगासन से आपका मस्तिष्क यानी कि माइंड शांत रहता है। और जब आप भोजन कर रहे हैं और आपका माइंड शांत रहता है तो आपकी पाचन क्रिया भी अच्छी होती है, यानी कि खाना आसानी से पचता है। अब देखिए विडंबना, बाहर के लोग तो नीचे बैठ के खा रहे हैं और हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहे हैं। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। गाइस, किसी जमाने में भारत हॉकी का सिरमौर हुआ करता था, और उसकी वजह थी हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। बाय द वे, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है बल्कि हॉकी है, ये तो पता है ना आपको। तो चलिए इससे रिलेटेड एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको पता है कि इंडिया में हॉकी का सबसे बड़ा ग्राउंड कहाँ पे बनने जा रहा है? चलिए इसका जवाब मैं ही आपको दे देता हूं। इंडिया में हॉकी का सबसे बड़ा ग्राउंड ओडिशा के राउरकेला में बनने जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी 20,000 दर्शकों की होगी। अगर कोरोना की सिचुएशन खत्म हो गई तो लगभग 20,000 लोग एक साथ हॉकी का मजा उस ग्राउंड पे ले पाएंगे। बाय द वे, 2023 का वर्ल्ड कप हॉकी वहीं पे खेले जाने वाला है। गाइस, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है, डॉग, कैट या कोई और एनिमल? लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद एक और एनिमल आपका फेवरेट होने वाला है, जिसका नाम है क्योका। गाइस, क्योका एक ऐसा एनिमल है जिसको इंसानों का कोई डर नहीं है, वो बहुत आसानी से इंसानों के पास चला जाता है, और स्पेशली कोई हार्मफुल एनिमल नहीं है। सबसे स्पेशल बात है उसकी स्माइल, इतनी क्यूट स्माइल आई थिंक आपने कभी किसी एनिमल के चेहरे पर नहीं देखी होगी। गाइस, क्योका के चेहरे पर कभी ना खत्म होने वाली एक प्यारी सी स्माइल रहती है, जिसे देखने के बाद आप भी बड़े खुशनुमा हो जाओगे और अच्छा महसूस करने लगोगे। गाइस, क्योका के बारे में जानने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।